हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं अभी रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के आलू, आलू की बहुत ही सिंपल सी एक कड़ी और रोटी बनाऊंगी। अभी मैं इसका छिलका निकाल के रख रही हूँ। ये देखिए, आलू के छिलका निकाल के मैंने रख दिया है। छिलके को अभी मैं फेंक दूँगी। अभी मैं डस्टबिन की तरफ जा रही हूँ, डस्टबिन में छिलके को फेंक दूँगी। सबसे पहले हम आलू को छोटे टुकड़े में काट लेंगे। चॉप द पोटैटो इनटू स्मॉल क्यूब्स। ये देखें, पहले इसे 2 टुकड़े में काट लें और फिर एक हिस्से को हम ऐसे 3 भाग में काट लेंगे और फिर इसे टान करके इसके 3 या 4 हिस्से मैं कर रही हूँ। ये देखें, ऐसे काट लें पोटैटो को। ये देखे, ऐसे स्मॉल पीसेस पे मैं कट रही हूँ। ऐसे आप भी काट लें। ऐसे स्मॉल क्यूब्स में मैंने काट लिया है। मैंने ऐसे देखे, आप मैंने किस तरह क्यूब्स की आकार दिया है आलू को, ऐसे ही काट लें। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मुझसे जुड़ी कुछ बातें। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ। हर इंसान के पास 24 आवर्स ही है एक दिन में। मेरे पास भी है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। इन 24 आवर्स में से कुछ ही मिनट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वही मिनट्स मैं शेयर करती हूँ जो मेरे लिए पॉसिबल है और जिसमें मैं कंफर्ट फील करती हूँ। मैं महीने में 1 या 2 दिन ही बाहर जाती हूँ मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए या घर का कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, और मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो मीडियम साइज के आलू को मैंने ऐसे कट कर लिया है। मैं अभी आलू को धो रही हूँ। कुकिंग मेरे लिए एक नीड है और इस नीड के कारण ही मैं कुकिंग करती हूँ। जितना ज़रूरत होती है उतना ही मैं कुकिंग करती हूँ। अभी मैं टैप को बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद मैं प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर को भी मैं एक बार धो लूँगी। अभी मैं इसके अंदर मैं पोटैटो को डालूँगी। आलू मैंने दे दिया है। अभी इस छल्ली को भी एक बार धो के मैं रख दूँगी। अभी मैं गैस ऑन कर रही हूँ। गैस ऑन करके मैं प्रेशर कुकर को चढ़ा दूँगी हाई फ्लेम में। अभी मैं पानी मैं प्रेशर कुकर के अंदर दे दूँगी। पानी दे रही हूँ। अभी पानी देकर पानी की जार को मैं अपनी जगह पर रख रही हूँ। प्रेशर कुकर के लीड को मैं अभी बंद कर दूँगी हाई फ्लेम में। कर दिया है। अभी मैं चॉपिंग बोर्ड को मैं सिंक में रख दूंगी बाद में धोने के लिए। अभी मैं ले रही हूँ छना। मैंने लिया है छना। छने को मैं अभी आटे की तरह गूंथ लूंगी, बिल्कुल आटे की तरह। ये देखे, मैंने लिया है छना। आटे की तरह मैं अभी गूंथूंगी। पूरा दिन मेरा घर का ही काम नहीं बीत जाती है। फूड टाइम्स कुकिंग, किचन क्लीनिंग, घर का सफाई करने में, टेरिस गार्डन को मेंटेन्स करने में एंड बेल्टिंग गार्डन टू और वॉशिंग क्लॉथ और इन सभी को डेली मेंटेन करती है। पूरा दिन मेरी बीत जाती है। मैं कोशिश करूँगी बाहर जाकर शूट करने के लिए। अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो ज़रूर करूँगी। इस तरह आप भी छने को छोटे छोटे टुकड़े में काट ले। मैं ब्लॉगिंग में आई हूँ मेरी लाइफ के कुछ मिनट शेयर करने के लिए। मेरी डेली लाइफ में एक घर ही है, बाहर की दुनिया मेरी डेली लाइफ में नहीं है। तो मैं मेरी ब्लॉगिंग में बाहर की दुनिया मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगी दोस्तों। और मैं घर में खुश हूँ और घर का सभी काम मैं खुशी से ही करती हूँ। मुझे क्राफ्ट करना, गार्डनिंग करना, कुकिंग करना मुझे अच्छी लगती है। यही मेरी डेली लाइफ है दोस्तों। अभी मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा। मैं गेहूँ का आटा ले रही हूँ। आटे को मैं अभी गूंथूंगी। और भी मेरी कुछ हॉबी है दोस्तों, मैं समय के साथ साथ शेयर करती रहूँगी। और वीडियो एडिटिंग का काम भी मैं पहली बार कर रही हूँ। कोशिश करूँगी बेटर करने के लिए। और मैंने अभी लिया है नमक, थोड़ी सी नमक दूँगी आटे में। पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने दे दिया है अभी। और मैंने लिया है पानी, थोड़ी थोड़ी करके पानी देकर मैं आटे को गूंथूंगी, एक डो की तरह बनाऊंगी।
रेडी करूँगी, भूनना शुरू करूँगी ताकि रोटी सॉफ्ट हो सके और मेरी प्रेशर कुकर की विजल भी बनने लगी है। अभी थोड़ी पानी मैं देकर इस आटे को भूनूँगी। प्रेशर कुकर की विजल बनने लगी है, इसी तरह को भूनती हूँ। मेरा आटा अभी रेडी हो चुका है, दो बनकर रेडी है। प्रेशर कुकर की विसल भी बनने लगी है, मेरा आलू भी उधर रेडी हो चुका है। ये देखे, अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। गैस ऑन कर रही हूँ। गैस ऑन करके मैं कढ़ाई को चढ़ा दूंगी। कढ़ाई मेरा गरम हो चुका है, मेरा कढ़ाई अब गरम हो चुका है। ये जो स्टील की जो कंटेनर देख रहे हैं, इसमें मैं रखती हूँ घी, और कढ़ाई में मैं अभी घी दे रही हूँ। चने की जो कढ़ी है वो घी से बनाएंगे तो इसका टेस्ट ही कुछ अलग ही होता है। कंटेनर को अपनी जगह में रख दूंगी। मैं अभी इस चने के छोटे छोटे टुकड़े को लेकर इस तरह से पकाऊंगी। पकाकर मैं घी में फ्राई करूंगी। देखिए इस तरीके से, इस तरह आप भी कर ले। इस तरीके से सभी चने को मैं पकाकर मैं घी में फ्राई करूंगी, डीप फ्राई इस तरीके से। ये देखे, मैं इस तरीके से चने को फ्राई कर रही हूँ। आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं चने को फ्राई कर रही हूँ। हो चुका है सभी, ये देखें। मैं एक एक करके तोल रही हूँ प्लेट में। चना मेरा फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें इस घी में डालूंगी टर्मरिक, हल्दी। 2 टेबलस्पून हल्दी मैंने दिया है, और इसमें दे रही हूँ थोड़ा सा चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। अब इस ऑयल में इसे भूनूंगी थोड़ी देर के लिए। भूनने के बाद मैं प्रेशर कुकर के लीड को खोल रही हूँ। अब जो मेरा पोटैटो मेरा बॉईल हो चुका है, मैं अब उसे इसी में दे दूँगी। देख ही रही हैं दोस्तों, पोटैटो को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं भूनूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, स्वाद अनुसार सॉल्ट आप भी ऐड कर लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी पानी। पानी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं इसमें जब चने दूंगी तो चने पानी को सोख कर लेगी। मेरा पानी अब बॉईल हो ही चुका है, देख रहे हैं। अब मैं आटे की डो को मैं रेडी कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। अब मेरा जो कढ़ी का जो पानी है वो बॉयल हो चुका है, उसमें मैं अभी दे रही हूँ चना। थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक कर पकाऊंगी। हो ही चुका है मेरा ये चने का कढ़ी। मैं इसके लीड को खोल के रख रही हूँ साइड में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी गरम मसाला, साई गरम मसाला।
थोड़ी सी ये देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसकी लीड को ओपन करूंगी। ये देखिए मेरा करी रेडी है, सिंपल सी छोले का एक करी जो रात के डिनर में हम लोग हमेशा ही खाते हैं ऐसे ही। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। मैं अभी गैस को ऑन करके तवा को चढ़ा दिया है, तवा मेरा गरम होने के लिए मैंने रख दिया है गैस के ऊपर। मैं अभी ले रही हूँ चकले बेलन जो रोटी बेलने के टाइम में यूज़ होती हैं। मैंने लिया एक पेपर जिसके ऊपर मैं चकले बेलन को रखूँगी रोटी बेलने के टाइम, ताकि सूखी आटा इधर उधर गिरे ना, उसी में ही रहे। फिर बाद में मैं उसे उठाकर रख दूँगी। मैंने लिया एक कैसरल के ऊपर मैंने रख दिया एक टावल। अभी मैं डो को लेकर सूखी आटे में डुबोकर अभी मैं रोटी को बेलना शुरू कर दिया है। इसी तरह क्लॉक वाइज घुमाते मेरा रोटी मैं बेलती हूँ। इसी तरह ये देखे मैंने तवा मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं तवे में रोटी को दे रही हूँ। इसी तरह से मैं रोटी बनाती हूँ। इसी तरह रोटी बनाती हूँ हर रोज़। मेरा रोटी बनाना हो ही चुकी है और क्या कहूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इंस्पायर हो सकूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब के साथ साथ इसमें जो बेल का बटन होता है ना, ज़रूर दबा दीजिएगा। तो फिर मिलूँगी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ।
अपने बेटे को खाना दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, वो आएंगे तो फिर हम दोनों एक साथ खाएंगे। तो फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ।